दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डाउ फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS आरक्षण को लेकर बड़े फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से EWS आरक्षण को लेकर हाल ही में फैसला रिजर्व किया गया था। 5 जजों की खंडपीठ या फिर संविधान पीठ के माध्यम से इस मुद्दे की सुनवाई देखने के लिए मिली थी और आज जस्टिस यूयू ललित यहाँ पर रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उससे पहले उनको इस फैसले को सुनाना था और अंततः उनके माध्यम से वो घड़ी आ गई, अपना जो फैसला है वो सुना दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडाफोस्टी चल के माध्यम से मिलती जाए। आरक्षण सही है गलत है, आपकी तर्क क्या होती है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन EWS आरक्षण को लेकर बहुत सारे तर्क लगाए गए थे याचिकाकर्ताओं के माध्यम से, उन सभी को यहाँ से तगड़ा झटका देखने के लिए मिला है। उसकी वजह यह है क्योंकि उनका दावा यह किया गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, इससे अनरिजर्व के साथ साथ OBC कीमी लेयर वाले अभ्यर्थियों को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही कुछ मांगे ये भी देखने के लिए मिली थी कि 10% EWS आरक्षण के अंदर OBC SC को भी जो आरक्षण है वो दिया जाए। लेकिन इन तमाम मुद्दों से अब पर्दा हट चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अंतिम फैसला है वो सुना दिया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए 5 में से 3 जजों ने EWS आरक्षण के पक्ष में देखने के लिए मिले हैं। अगर 5 में से 3 या फिर 4 एक पक्ष में होते हैं तो फैसला उसी पक्ष में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि देश में जारी रहेगा EWS का आरक्षण, क्योंकि 5 में से 3 जज इसको लेकर सहमत हैं और 2 नहीं थे, लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसी के बारे में नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से EWS आरक्षण को लेकर जो मुहर वो लगा दी गई है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से EWS आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से या फिर लोगों के माध्यम से मुद्दा टेंड करना शुरू कर दिया गया, आरक्षण को ख़त्म करो या फिर 30% आरक्षण दिया जाए। मैं आप सभी को दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी अभी अगर आप ट्विटर खोल करके देखेंगे तो आप सभी को कुछ ट्रेंडिंग मुद्दे देखने के लिए मिलेंगे और ट्रेंडिंग में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ट्रेंडिंग इन इंडिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला सुनाया गया है, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि EWS आरक्षण खत्म करो या फिर बैन EWS आरक्षण। इसी के साथ दूसरा ट्रेंड आप सभी को और देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है ट्रेंडिंग इन इंडिया #EWS आरक्षण को 30% किया जाए। अब मुद्दा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, केंद्र सरकार के माध्यम से 10% EWS आरक्षण को लागू किया गया था, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर 10% को फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। अब जो है मांग देखने के लिए मिल रही है कि EWS को 30% आरक्षण दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मांग देखने के लिए मिल रही है कि EWS आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि EWS का 10% आरक्षण पूरे तरीके से लागू रहेगा जैसे कि पहले हुआ करता था, अब कोई बदलाव इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।